हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल श्याम। गाइज, जैसा कि आपको पता है, साइंस की छुट्टियां चल रही है। और गाइज, आज सुबह से ना साइंस भाई पहिए वाले जूते ढूंढ रहा है। भाई हन्नी के बहुत पुराने स्केट्स पड़े थे बेड में, मगर भाई वो मिल ही नहीं रहे। पता नहीं कहाँ रख दिए साइंस ने। मिल गए वो, बेड में पड़े थे। भाई साइंस आज सुबह से ना स्केटिंग करने की सोच रहा था और जूते मिल ही नहीं रहे थे। अभी साइंस को स्कूल में लेके चलते हैं और मस्त स्केटिंग करवाते हैं इसकी। ऐसे घुमाऊंगा, डू डू डू। चलाने तो आते नहीं है। गाइस, इसे स्केट्स चलाने नहीं आते, ये कहीं ना कहीं पड़ा पाएगा। भाई हेलमेट पहन ले पहले। तो भाई हमने हेलमेट ले लिया है और स्केट्स भी ले लिए हैं। अभी स्कूल में चलते हैं और देखते हैं भाई साइंस को चलाने आते हैं या नहीं। आते हैं, आपने तो सिखाए थे। तो गाइस अभी स्कूल में आ गए हैं, अभी साइंस को हेलमेट पहनाते हैं और स्केट्स भी पहनाते हैं, फिर देखते हैं कैसा चैंपियन है। ये देखो भाई, ये चार पहिए वाले स्केट्स हैं। ये वाले स्केट्स ना आसान होते हैं चलाने। हन्नी तो सिंगल रो वाले भी चला देता भाई, इतनी तेज तेज भगाता है। गाइस मैंने भी ट्राई किया था एक बार, मैं गिर गया भाई भयंकर। सिर के बल गिरा। तो गाइस साइंस ने देखो मस्त हेलमेट और पहिए वाले जूते पहन लिए, अभी देखते हैं चला पाता है या नहीं। अबे मुझे क्यों पकड़ रहा है, छोड़ खुद चला। भाई इससे खुद तो चल नहीं रहे। भाई ये देखना गिरेगा पक्का। पड़ गया। भाई इतने आसान नहीं है चलाने। अभी तो कच्चा खिलाड़ी है भाई, तुझे नहीं आते। भाई वैसे साइंस को हल्के फुल्के तो आ गए हैं, अगर 5-6 दिन ये चलाएगा ना लगातार तो सीख जाएगा। तुझे गाड़ी की तरह धक्का देता हूँ। ये देखो भाई प्रो लेवल का खिलाड़ी, गिरने वाला बट। गिरने वाला बट। भाई इससे नहीं होगा। पहले साइकिल में गिरता था, अब इनमें गिर रहा हूँ। ये देखो भाई थोड़ा बहुत तो सीख गया ये। ओ भाई भगाने लग गया इस पर। तो भाई आज की साइंस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी देर में थक गए। क्या स्केटर बनेगा रे तू, 2 मिनट में थक जाता है। भाई स्केट्स चला गया, उसी की आदत पड़ जाती है ना। तो साइंस कह रहा ये चलना भूल गया मगर दौड़ना नहीं भूला। भाई ये देखो भाई अपनी गली में कौन भाई आया। भाई साहब मस्त मस्त ढोलक बेच रहा है छोटी। भाई जब मैं छोटा था ना और मेले में जाता था तो छोटी ढोलक बहुत मिलती थी, मगर भाई इतनी महंगी आती थी मैं कभी खरीद नहीं पाया उन्हें। आज साइंस के लिए लेते हैं एक ढोलक। कितने की ढोलक है? 200 रुपए। यार 200 रुपए की तो महंगी है यार। तो भाई इस भाई से ढोलक ले लिया भाई, फाइनली बचपन का शौक पूरा हो गया। भाई मेले में से खरीद नहीं पाते थे क्योंकि महंगी आती थी, आज 100 रुपए कम लग रहे हैं, उस टाइम 100 रुपए बहुत ज्यादा लगते थे। ये देखो भाई पूरी सब्सक्राइबर्स की गैंग आ गई है, इनसे बजवा के देखते हैं ढोलक कैसी बजती है। तो भाई इसे ढोलक पहना दिए। गाना आता है तुझे? मुझे आता है। कौन सा? पतली कमरिया वाला। भाई अभी देखते हैं कैसा गाना गाता है पतली कमरिया वाला। तो भाई अभी काकू डॉन आ गया है, ये कह रहा है इसे ढोल बजाना आता। भाई अभी देखते भाई ये सच बोल रहा है झूठ। भाई बढ़िया आता है इसे तो बजाना। शायद मैंने ये ढोलक खरीदी है 100 रुपए की। खरीदी सच में ही? झूठ बोल रहे हो। शायद को विश्वास ही नहीं हो रहा। ये लाए हैं। ये देखो भाई शायद को बढ़िया ढोल बजाना आ गया। गाइज वैसे आप कमेंट करके बताना 100 रुपए में ये ढोल ठीक है या महंगा है। महंगा नहीं है ये, ठीक है। नाचो बाबू। ये देखो भाई डांस खतरनाक ढोल पे। भाई वैसे काकू डॉन को सबसे मस्त बजाना आता है। तो भाई अभी पतली कमरिया वाला दोबारा चलने वाला है और साइंस का डांस दिखाएंगे आपको खतरनाक वाला। खतरनाक कॉमेडी होगी भाई छोटे से ढोल से ही। तो गाइस देखो क्यूट सी सब्सक्राइबर आई है भाई मिलने, ये भाई हमारे सारे व्लॉग देखती है भाई। ये देखो भाई ये छोटी सी गुड़िया क्या लेके घूम रही है। ये देखो पर्स भाई, कितने पैसे है इसमें? नहीं है वैसे। वैसे हर लड़के के अंदर ना क्यूरियोसिटी होती है कि लड़की का पर्स खोल के देखे वो। तो गाइस अभी जादू वाली बुक ले आए हैं, इसे किसी बच्चे से खुलवा के देखते हैं, इसमें ना बहुत मस्त मस्त फोटो है। ये देखो भाई ये खोल के देख रहा है। करंट लगा। तू खोल के देख भाई, पकड़ो। तो गाइस देखो सब्सक्राइबर्स की गैंग आ गया भाई, अभी इनसे खुलवाते हैं भाई। तो गाइस अभी इससे तोड़ दी। ये देखो भाई सस्ता अंग्रेज, भाई से एक्टिंग करवा सकते हैं जैसे अक्षय कुमार की फिल्म में होता है ना, जिसे च्युइंगम खिला देते हैं। चबा, तुम गरीब हिंदुस्तानी पैसे का क्या करेगा। भाई अगर अंग्रेज की जरूरत पड़े ना और बॉडी बिल्डर की तो इसे बुला सकते हो तुम। ये देखो भाई यहाँ पे प्रैंक चल रहा है और भाई साइंस काकू की साइकिल लेके कुरकुरे खाने लग रहा है भाई। ये देखो काकू डॉन हिम्मत करके कह रहा है कि मैं खोल दूंगा इसे। खोल दूंगा गाइस, मैं कुछ नहीं होता मुझे।
भाई से तो कुछ ज्यादा ही तेज लग गया भाई। कभी इसको ट्राई मत करना गाइस, बहुत गंदी है ये। तो गाइस ये गुड़िया कह रही है कि ये इस बुक को खोल देगी, डर तो नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो गाइस जब ये गुड़िया खोलेगी तो गाइस एक और भाई आया है, अब इससे खुलवाते हैं। भाई जितने भी लड़के आते हैं ना वो 1 मिलियन की पार्टी मांगते हैं, मगर आज भाई एक यूनिक डिमांड आई है। क्या चाहिए गुड़िया तुझे? मेरे को भी चाहिए पर्स। भाई मुझे तो पता ही नहीं लड़कियों का पर्स कहाँ से मिलेगा। तो गाइस बच्चे तो बहुत पार्टी मांगते हैं, मगर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बच्ची ने कुछ मांगा है। तो भाई अभी बाजार चलते हैं और इनके लिए पर्स लेके आते हैं मस्त सा। कौन सा लेगी, डोरेमोन वाला? कौन सा? BTS का पर्स। ये देखो भाई कैसे इंडियन है इंडियन और कोरियन बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखो भाई अपनी गैंग का बंदा आ गया है, जो कल भाग गया था भाई करंट लगते ही गोली हो गया बिल्कुल। कल क्या हुआ था? बहुत तेज करंट लग गया था मुझे। तो गाइस अभी आ चुके हैं पर्स की दुकान पे और ये देखो भाई सब मस्त मस्त पर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी बच्चों के लिए 10 पर्स लेते हैं जल्दी से और उसके बाद चलते हैं भाई। तो भाई फाइनली देखो हमने 10 पर्स ले लिया भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये देखो अलग अलग डिजाइन के, अभी चल के बच्चों को देते हैं और खुश करते हैं उन्हें। तो गाइस अभी मैं बाजार से आ गया हूँ और ये देखो भाई गैंग पूरी अभी भी खड़ी है, ये सारी अपनी फ्रेंड्स को बुला लाई भाई। तो गाइस इस गुड़िया ने डिमांड की थी पर्स की, किसी की डिमांड पे सबके लिए पर्स लेके आया हूँ मैं। तो अभी ना मस्त मस्त पर्स देते हैं। तो गाइस पहला पर्स देखो ये कितना क्यूट सा लेके आए हैं, पसंद है तुझे? ले तो ले। तो भाई ये देखो ये वाला कैसा पर्स है, ये किस बच्चे को पसंद है भाई? किसी को पसंद नहीं है भाई, ये तो किसी को पसंद नहीं आ रहा यार, साइंस रख लेगा। तो भाई ये वाला पर्स तो रिजेक्ट हो गया, ये इस गुड़िया को देते हैं। ले भाई ले पर्स। तो गाइस देखो ये फूल वाला कितना मस्त पर्स है, ले भाई गुड़िया। ये देखो भाई कितना मस्त पर्स है, इसे इस गुड़िया को देते हैं। सारे बच्चे ले लो भाई पर्स एक। लो भाई लो, सारे बच्चों को दे दिया हमने पर्स। चेन वाला कितना मस्त है देख, ये लो। सबको मिल गया, खुश हो भाई? सारे बच्चे ना इस गुड़िया का थैंक यू कर दो, इसकी वजह से मिले तुम्हें पर्स। तो गाइस देखो और क्यूट क्यूट से सब्सक्राइबर आ गए भाई। भाई कोई यार इन बच्चों की छुट्टी खत्म करवा दो भाई, भाई इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने बच्चे आ रहे हैं भाई साहब, मैं मिलते मिलते परेशान हो गया भाई। ये देखो भाई इस भाई की विली खतरनाक भाई साहब। गाइस बच्चों को पर्स देंगे तो भाई मजा ही आ गया। होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।